मथुरा बार एसोसिएशन में फिर से एक बार रार उत्पन्न हो गई है। एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय ने वर्तमान बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कार्यकारिणी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सचिव राजकुमार ने कहा है कि वर्तमान कार्यकारिणी का समय पूरा हो चुका है, तत्काल चुनाव कराने चाहिए। इस दौरान उन्होंने करीब एक दर्जन मांगों को लेकर के ऐलान किया कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो उनका आंदोलन आमरण जारी रहेगा। इस दौरान धरने पर बैठे दर्जनों अधिवक्ताओं ने भी तत्काल चुनाव कराए जाने की मांग की है। सुनिए भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सचिव और समर्थन में आए अधिवक्ताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा बार एसोसिएशन के कार्यालय पर। फिर एक बार धरना, आमरण अनशन और भूख हड़ताल शुरू हो गई है, यानी कि बार में रार काफी दिनों से चल रही है। एक तरफ कुछ अधिवक्ता टूर पर आनंद ले रहे हैं तो कुछ अधिवक्ता यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कुछ एसी का आनंद ले रहे हैं ऑफिस में। ये इस समय बार का आलम है मथुरा एसोसिएशन का। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय जी भी हैं, पहलवान जी भी हैं, तमाम और अधिवक्ता बैठे हुए हैं। आखिर किस बात को लेकर फिर आपने 15 दिन के अंदर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, क्या है मामला? 1 अगस्त 2022 को जिन मांगों को लेकर भूख हड़ताल की गई थी उनमें प्रथम मांग तो यही थी कि पिछला वार्षिक चुनाव जो मथुरा बार शिक्षण का जो चुनाव संपन्न हुआ था वो 3 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ था। उस हिसाब से और संविधान की व्यवस्था के हिसाब से इन्हें हर हाल में एक वर्ष में, इट मीन्स 3 सितंबर 2022 तक हर हाल में मथुरा बार शिक्षण का वार्षिक चुनाव संपन्न करा लेना चाहिए था। लेकिन बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव अपने मनमानी, हठधर्मता, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कार्यों पर लगे हुए हैं और अधिवक्ताओं पर जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं। चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, चिपकी से कुर्सी से चिपके पड़े हैं। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मान रानिल राजपक्षे साहब थे, प्रधानमंत्री महोदय थे, तो वो कुर्सी को नहीं छोड़ रहे थे। उसी तरह से हमारे अध्यक्ष और सचिव कुर्सी से चिपके पड़े हैं, कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक कि इनका काला मुंह करके यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये कुर्सी को नहीं छोड़ पाएंगे। कब आपका कार्यकाल हो रहा है इनका? इनका कार्यकाल पूरा हो गया आज। इनका कार्यकाल पूरा हो गया, इनके पीरियड में इन्होंने तमाम अधिवक्ताओं को बिना उचित कारण के नोटिस देकर निलंबन निष्कासन किया, तमाम अधिवक्ताओं को तोहिन की, तमाम अपमान किया। महिला थाने पर, जो महिला थाना लगा हुआ है हमारे दीवानी के सामने ही है, वहाँ पर कोई अधिवक्ता बादगारी के साथ किसी के साथ चला जाता है तो महिला पुलिस कर्मचारी और महिला इंस्पेक्टर और हमारे अधिवक्ता साथियों की बहुत बेइज्जती करते हैं और अपमानित करते हैं। चूँकि क्यों करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष ने वहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है कि कोई भी अधिवक्ता हमारा किसी बाधकारी के साथ महिला थाने नहीं जाएगा। इन्होंने जगह जगह पर ऊट पटांग काम कर रखे हैं और इन्होंने जो चुनाव कराना तो बहुत दूर की बात है। जो वर्तमान संविधान की व्यवस्था है उसमें वर्तमान संविधान के अनुसार, जो पुराना हमारा संविधान है उसके अनुसार चुनाव संपन्न 2 सितंबर तक हो जाना चाहिए था। इन्होंने पिछले आमरण अनशन के दौरान अपनी मर्जी के अनुसार एल्डर्स कमेटी का गठन किया था। उस एल्डर्स कमेटी में हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मेम्बरान थे, उन्होंने हमारी सारी संपूर्ण मांगों को मानते हुए 2 सितंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा और जिनको बिना उचित कारण के निष्कासन किया था या जिनकी दोषवश फीस जमा नहीं की गई थी उनकी तुरंत फीस जमा करने के लिए कहा गया था। और इन्होंने एल्डर्स कमेटी के सामने बार के पदाधिकारियों ने सारी मांगों को माना और कहा कि 2 सितंबर इन्होंने 2 सितंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा था। जब तक ये सारी मांगों को, तमाम सारी मांगें हैं जैसे कि पुराने संविधान के अनुसार ये चुनाव नहीं कराएंगे, ये मनमर्जी के अनुसार किसी पद पर किसी को चुनाव जिताना चाहते हैं और किसी को विशेष तरीके से चुनाव से हटाना चाहते हैं। जो मथुरा बार शिक्षण का संविधान है उसी संविधान से वर्तमान हालात में चुनाव होंगे और जो अन्य बार काउंसिल से रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं उनको ये अपमानित करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी अधिवक्ता का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके अत्याचार का हम हर तरह से डटकर मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। क्या कहेंगे, क्यों बैठे हैं ये? देखो, अधिवक्ताओं के साथ पूरे वर्ष इतना शोषण हुआ है, इन्होंने नोटिस से शुरुआत की है और अब हालत नोटिस के बाद ये हो गई है कि जो अधिवक्ता इनका विरोध करता है उसे निकाल के बाहर और नोटिस। अब मुख्य क्या मांग? नहीं, मुख्य मांग ये है कि एक तो दिल्ली वाले अधिवक्ताओं को ने बाहर से निकाला है, दूसरी मांग ये है कि नया कोई बायलॉज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से ले आएंगे, जबकि चुनावी कार्यक्रम घोषित हो चुका है, 7 अक्टूबर को चुनाव की डेट फिक्स कर दी गई है। जहाँ तक बार काउंसिल के बायलॉज का प्रश्न है, मॉडल बायलॉज का, उसको लेके एक जनरल हाउस भी हमारे यहाँ पिछली बार हुआ था 24 तारीख को शायद, लेकिन उसके बावजूद पूरे बार ने, पूरे सदन ने उसको कंडेम किया, उसका विरोध किया, घोर विरोध किया और ये बोला कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है उस बायलॉज की कुछ कंडीशंस हैं
इस चुनाव में वो पूरी प्रक्रिया न होने के कारण वो इस तरह से चुनाव हो भी नहीं सकता। एक महीने पहले आपको हमारा चिटफंड सोसाइटी आगरा से रजिस्टर्ड है, हमारा संविधान वहाँ पे पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये नोटिस जो है यहाँ मथुरा जनरल हाउस करके वो सब आंदोलन नहीं, आंदोलन चलेगा और इनके गंदे विचारों का हम जम के विरोध करेंगे। क्या कहेंगे जी? मुख्य मुद्दा तो हमारा चुनाव का है, जो उपाध्याय जी द्वारा पहले आमरण अनशन किया गया था और इसी आमरण अनशन पर आकर अध्यक्ष द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 1 तारीख तक चुनाव हो जाएगा। ना तो 1 तारीख तक चुनाव कराया गया है, ना जो मॉडर्न बायलॉज जो लेके आए, मॉडर्न बायलॉज हमारे यहाँ कहीं नहीं है, वो 2006 का मॉडर्न बायलॉज है। उसके पीछे तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो सेक्रेटरी बन चुके हैं और अध्यक्ष बन चुके हैं। उस मॉडर्न बायलॉज में कोई व्यवस्था कैसी भी हमारे यहाँ की नहीं है। हमारा जो चुनाव होगा हमारे पुराने बायलॉज और पुराने संविधान से होगा, क्योंकि पुराने संविधान में हमारे में कितने साल जो एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कितने साल नहीं लड़ सकता है, बार का आय व्यय और जो हमारी संस्था है पूरी जो पुराने बायलॉज से बनी हुई है, इनकी जो बेईमानी आज आप देख रहे हैं कि 30 से 35 लाख रुपये बार में लेके गए 90 आदमियों के जो टूर में, वहाँ बेईमानी को इन्होंने एक अड्डा बना रखा है। जो पहले मेरे साथी एल्को गौतम ने कहा था कि ये जो है ये बेईमानी के लिए इन्होंने कमर कस रखी है। मेरा इनसे विनम्र निवेदन है कि पहले चुनाव कराएं, जो दिल्ली वाले अधिवक्ताओं को आप अपमानित कर रहे हैं उनको ससम्मान, उनको जो है उनसे माफ़ी मांगें। और जो अधिवक्ता हमारे 30-40 अधिवक्ता 50 अधिवक्ता ऐसे हैं जो कचहरी रोज आ रहे हैं उनको निकाल दिया गया है, उनको वापस दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आपने कहा कि तमाम अधिवक्ता यहाँ फिर एक बार धरने पर हैं। प्रमुख मांग है कि जो बार एसोसिएशन का जो वार्षिक चुनाव है उसका जो समय है वो पूरा हो चुका है, चुनाव घोषित हो चुका है, वो होना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो अधिवक्ता दूसरी बार काउंसिल रजिस्टर्ड हैं उनको भी यह मान्यता दी जाए। तो ऐसे में तमाम अधिवक्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनका ऐलान है कि जब तक इनका ये जारी रहेगा आंदोलन, तब तक इनकी मांगों पर अमल नहीं हो पाता। देखना होगा कि इनका ये आंदोलन हड़ताल कब तक जारी रहती है। बहरहाल अधिवक्ताओं ने मथुरा वर्तमान बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज़ का पर्सन उपल जग्गा के साथ गोविंद, भारद्वाज। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्ले ग्रुप से 12 तक मॉडर्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर में स्मार्ट क्लासेस। हमारे 10th टॉपर इशिका खेड़ा, मान्य अग्रवाल, काजल राणा, गगन सारस्वत, विष्णु गोयल, दीक्षा शर्मा एवं 12th टॉपर अर्पिता सिंह, चेतन अंगीरा, गार्गी खंडेलवार, कृतिका अग्रवाल, सभी अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ अध्ययन हेतु प्रवेश के लिए संपर्क करें रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल मथुरा, रमनलाल शोरावाला प्राइमरी स्कूल डैम्पियर नगर मथुरा, रमनलाल शोरावाला प्राइमरी स्कूल टेकमैन सिटी मथुरा, जनपद में बस सुविधा उपलब्ध। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।